हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स। इकोनॉमी क्या होती है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी, कंट्री प्रोडक्शन रिजल्ट, हमारी ओवरऑल कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने गुड्स बन रहे हैं, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जो उन सभी का एंड रिजल्ट जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम बोलते हैं हमारी इकोनॉमी। ओके, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। फर्स्ट टाइप है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, फोर्थ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड फिफ्थ इज ओपन इकोनॉमी। मेन इकोनॉमी जो हमारी होती हैं वो तीन टाइप्स की होती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ठीक है, आपको याद रखने के लिए दो इकोनॉमी और ऐड कर लो, क्लोज्ड और ओपन, मेन थ्री इकोनॉमी होती हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइम मोटिव अर्न मनी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का प्राइम मोटिव होता है मनी को अर्न करना। ओके, विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। ठीक है, गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो नहीं करती है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट में प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी कंपनीज होंगी वो सारी कौन सी होंगी, प्राइवेट होंगी, जिनका अंडर खुद पर है, मतलब उनमें गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है, रोल नहीं है। ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रोडक्शन फंड, लेबर प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये सब इन्वॉल्व होता है। कैपिटल इकोनॉमिस्ट का मेन मोटिव होता है पैसे को अर्न करना। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी, ठीक है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ये सब इसके अंदर आएंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, जिसका मेन मोटिव होता है ओनली अर्न टू मनी। सेकेंड आ गई हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका मोटिव क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज और कैपिटल गुड्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब सोशलिस्ट में क्या होगा, जो इसका सारा अंडर किसके होगा, गवर्नमेंट के अंडर होगा। ओके, इसके रूल्स रेगुलेशन कौन फॉलो करेगी, गवर्नमेंट फॉलो करेगी, इसमें प्राइवेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, जितनी भी कंपनीज होंगी सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो सब किसके अंडर होंगी, गवर्नमेंट के अंडर होंगी। ओके, ये लेबर का, नेचुरल रिसोर्सेज का, प्रोडक्शन का, फैक्टर्स का, गुड्स एंड सर्विसेज का, ये किसके अंडर साबा, किसके ऊपर कंट्रोल होगा, इन सब के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट के ही रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या करेगी, फॉलो करेगी। ओके, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, क्यूबा में है, चाइना में है एंड नॉर्थ कोरिया में जो है वो सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है जो फॉलो की जाती है। ओके, इसका मोटिव टू अर्न मनी नहीं होगा। ठीक है, इसका मोटिव क्या होगा, इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द फैक्टर्स प्रोडक्शन ऑफ लेबर, लेबर को जनरेट करना। ठीक है, लेबर को ज़्यादा काम देना, लेबरों से काम करवाना, नेचुरल रिसोर्सेज को जनरेट करना। ओके, थर्ड है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी को पता लग रहा है नाम से, मिक्स्ड मतलब कैपिटल और सोशलिस्ट का मिक्स्ड। ठीक है, मिक्सचर, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट एंड सोशल, अ मिक्सचर इकोनॉमिक सिस्टम प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अलाउस अ लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आएगा, इसमें गवर्नमेंट का रूल भी होगा और प्राइवेट का रूल भी होगा। ठीक है, मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन से हमारी कौन सी बनेगी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे कंपनी को, और कंपनी जो है प्राइवेट के रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो करेगी। ठीक है, एग्जांपल ले लो हमारे इंडिया, हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी ही फॉलो की जाती है। ठीक है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का रोल भी है और प्राइवेट का रोल भी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर हमारे जो है वो कंट्री चलाती है। ओके, इसको बोलती हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, मींस नो इंपोर्ट एंटर द कंट्री एंड नो एक्सपोर्ट लीव द कंट्री। द एम ऑफ द क्लोज्ड इकोनॉमी इज टू प्रोवाइड ऑल दैट डोमेस्टिक कंज्यूमर्स नीड्स फ्रॉम विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंपनी, सॉरी कंट्री। अब इसमें क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन उन्होंने करनी है, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस करने हैं गुड्स को, सर्विस प्रोवाइड करनी है, अपनी कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही करनी है।
जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्होंने ना एक्सपोर्ट करना है ना इम्पोर्ट करना है। कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है, उसकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं होगा। ये किसके अंडर आएगा? क्लोज्ड इकोनॉमी के अंडर। इन शॉर्ट अगर हम इनको देखें, कोई भी प्रोडक्शन हो रही हो किसी भी गुड्स की, कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही हो, वो सिर्फ हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही प्रोवाइड की जाएंगी, ना आउटसाइड ना इनसाइड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका ओपन इकॉनमी। ओपन इकॉनमी में क्या होता है, नॉट ओनली डोमेस्टिक फैक्टर बट ऑल्सो एटेंटिज इन अदर कंट्रीज इंगेज इन ट्रेड ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज मैनेजरियल एक्सचेंज टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर ऑल्सो। इसमें क्या होगा, कोई भी गुड्स कोई मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, ये सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए ही नहीं होगा। जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जो भी हमारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे थे, वो हमारे कंट्री के डोमेस्टिक यूज़ के लिए किए जा रहे थे, ना वो इम्पोर्ट हो रहे ना वो एक्सपोर्ट हो जा रहे, ठीक है। बट जो ओपन इकॉनमी है, नॉट ओनली डोमेस्टिक फैक्टर, इसमें डोमेस्टिक फैक्टर के अलावा और भी जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व है। जैसे आगे आपके मैनेजरियल एक्सचेंज वगैरह, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई, आप उसके ट्रांसफर्स आ गए, ये सब किसके अंडर आएंगे? ओपन इकॉनमी के अंडर। मतलब कोई भी अगर गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है तो ओपन इकॉनमी के अंडर उसकी ट्रांसफ़र की जाएगी, इम्पोर्ट भी किया जाएगा उनको और एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, ठीक है, आल्सो डोमेस्टिक यूज़ भी किया जाएगा। क्लियर हुआ? कैपिटलिस्ट होगी आपकी, इसका प्राइम मोटिव आ गया टू अर्न मनी। इन शॉर्ट में देखा जाए सोशलिस्ट में क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी, ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो गवर्नमेंट के फॉलो किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड इकॉनमी, ठीक है, मिक्स में दोनों कॉम्बिनेशन होगा, कैपिटल का भी और सोशल का भी, एग्जांपल हमारी इंडिया। ओके, नेक्स्ट है क्लोज्ड। क्लोज्ड में क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होगा, ओनली हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए होगा विद इन अ कंट्री बाउंड्री। ओके, लास्ट आ गया आपका ओपन। ओपन में क्या होगा, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे उनका एक्सपोर्ट भी होगा, इम्पोर्ट भी होगा और आल्सो डोमेस्टिक यूज़ भी उनका किया जाएगा। आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हुई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।